नमस्कार साथियों, मैं राम नरेश सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग संविधान के भाग के विषय में चर्चा करेंगे। और ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग जिनकी संख्या 22 है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बार बार आता है और ज़रूर आता है, कन्फ्यूजन करता है। इसको बहुत कम समय में हम लोग आज देख लेते हैं, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। बाद में संशोधन के बाद 12 अनुसूचियाँ हो गई। संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 395 मूल हैं, भाग भी 22 हैं, लेकिन उसमें सब सेक्शन जुड़ के 25-26 हो गए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। संविधान के भाग एक, जैसा कि याद करने के लिए हम एक तरीके में देखेंगे कि वन है ना, भाग एक। किसी भी देश की चर्चा होगी, संविधान में उसके नियम कानून की चर्चा होगी, तो सबसे पहले क्या बात पूछी जाएगी? संघ और राज्य, उस देश के बारे में। तो भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है, प्रावधान किए गए हैं। और ये देखिए कि संघ और प्रावधान भाग एक, ये भाग एक में भी यही बात है, अनुसूचियों में भी यही बात है, और एक अनुच्छेद एक भी इसी की चर्चा करता है। तो भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4 अनुच्छेद। भाग दो नागरिकता, सोचिए इसको याद करना है हमें ना, जब देश होगा, कोई देश होगा, तो अगर उसमें नागरिक नहीं होंगे तो किस बात का देश होगा? इसलिए भाग दो में क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ये शुरुआती भाग बड़े आसान हैं, आप देखते चल रहे हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। भाग तीन मूल अधिकार, भाग तीन में मूल अधिकार हैं, यानी जब नागरिक होंगे उस देश में तो उन नागरिकों की अस्मिता के लिए है ना, वो नागरिकों का जीवन कैसा हो, इसलिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे मानव अस्तित्व का उन्हें बोध होता है कि, और वो भाग तीन में मूल अधिकार। और जब उन्हें कुछ अधिकार दिए गए तो मानव कल्याण के लिए भाग चार में सरकार के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है, जो कि हमारा संविधान लोक कल्याणकारी भावना रखता है और उसी के तहत नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। फिर भाग चार का ये आर्टिकल जोड़ दिया गया, इसमें अधिकार के साथ मूल कर्तव्य भी हो जाएंगे, ये अनुच्छेद 51 काम है। 1942 में 76वें संविधान संशोधन के द्वारा इस मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता अनुच्छेद ये, भाग तीन मूल अधिकार 12 से 35, भाग चार राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51, और भाग चार का मूल कर्तव्य 51 का में ये दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए, बहुत आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं, अगला जो संविधान का भाग है, भाग पाँच, अब शुरू होता है संघ के बारे में। यानी हमारे देश में दो तरह की सरकारें हैं, संघ सरकार और राज्यों की सरकार। तो अब संविधान में क्या प्रावधान किए, क्या विषय रखे गए, और हाँ देखिए ना कि ये भाग जो है ना, ये पर्टिकुलर कुछ विषय, जैसे एक विशेष भाग क्षेत्र हो गया, उससे संबंधित जितनी भी बातें रखी गई हैं वो एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, और वही क्या कहलाए, भाग कहलाए। अब भाग पाँच में संघ में, संघ के विषय में चर्चा, उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और बाकी जितना भी है सब कुछ के विषय में बताया गया है, वो 52 से 151। मैं अनुच्छेद के विषय में ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज़ है कि आप भाग कैसे तैयार करें, किस भाग में कौन सा क्या रखा गया है, प्रावधान है, ये हमें समझना है। तब भाग पाँच में संघ आया, तो भाग छः में राज्य आया। देखिए ना, संघ के बाद क्या आएगा, राज्य आएगा। अब आया भाग सात, भाग सात को निरस्त कर दिया गया है 7वें संशोधन, संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद भाग आठ, देखिए भाग आठ में संघ की चर्चा हो गई, राज्य की चर्चा हो गई। अब इसके बाद आया भाग आठ, इस पे आया है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। अब ये कैसे हम क्लियर करेंगे, वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, 8 हैं।
आपने मेरी वीडियो देखी होगी केंद्र शासित राज्य के बारे में जो मैंने बताया था, उस समय उनके कब कब उनका निर्माण किया गया केंद्र शासित राज्यों को, उसमें मैंने क्रम से 9 बताए थे जिसमें जम्मू और लद्दाख भी शामिल है। लेकिन अगर अभी समय देखें तो इनकी संख्या 8 है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए कितना आसान, भाग 8 केंद्र शासित राज्य 8 हैं, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में चर्चा की गई है 239 से 242 आर्टिकल में। अगला भाग 9 पंचायतें, ये बहुत सवाल आता है, ये बार बार ये पूछा जाता है, भाग 9 में पंचायतों के विषय में कहा गया है। अब आप देखिए कि भाग 9 का सब सेक्शन आया 9 खा नगर पालिकाएँ 243 से आछा, सह समितियाँ 243 याजा से आना, और पंचायतें 243 का से 243 अड़ा, यानी नगर पालिकाएँ 9 नगर पालिकाएँ, तो नगर पालिकाएँ जहाँ पे आ रही है वो किससे रिलेटेड है, पंचायत से। तो पंचायत में पहले ग्राम सभा, उसका गठन, उसका विस्तार, उसकी शक्तियाँ, ये आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 से नगर पालिका यानी पंचायत, भाग 9। अब भाग 10 देखिए, भाग 10 में है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का, है ना, चुनाव 5 साल में होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ज़रूरत होती है ना कि एससी एसटी के कल्याण के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी कमज़ोर स्थितियां रही, तो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ बताया गया, तो उनसे संबंधित, उन क्षेत्रों से संबंधित भाग 10 पे रखा गया, ठीक है। अब आइए भाग 11, संघ तथा राज्यों का संबंध, तो संघ हुआ, राज्य हुआ, एक को आप संघ मान लीजिए, एक को राज्य मान लीजिए, एक एक अलग अलग इसको आप देख लीजिए, संघ एक को मान लीजिए, एक को राज्य मान लीजिए, तो भाग 11वें में क्या है, संघ राज्य का संबंध 245 से 263। अगला देखिए भाग 12, भाग 12 में हम कैसे इसको याद करेंगे, देखिए याद करना है मेन चीज, किस तरह हमारे दिमाग में ये क्लियर रहे। भाग 12, तो 12 से होता ना कि इसकी पौ 12 है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संपत्ति मिल जाए, है ना, बहुत धन मिल जाए, लाभ हो जाए उसको, तो ये होता है, हिंदी में आपने मुहारो देखा होगा कि इनकी तो पौ 12 है, तो ये पौ 12 यानी वित्त संपत्ति, ये किस में आ जाएगा, वित्त मतलब धन हुआ, संपत्ति मतलब धन हुआ, तो पौ 12 है, तो ये कहाँ पे आ गया, भाग 12 में। जब ऐसे आप कोरिलेट करेंगे अपने इन भागों को अपने माइंड से, तो ये फिर आपसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिए इसी के तहत संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके 300 का के तहत उसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। अगला भाग 13, भाग 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, 13 से ट्रेड, 13 से क्या हुआ, ट्रेड, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से 307, तो 13 ट्रेड। भाग 14 में क्या है, देखिए संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323, इसको हम याद कैसे करें, है ना, तो आप सोचिए कि आईएएस पीसीएस संघ तथा राज्य के अधीन, यूपीएससी आईएएस राज्यों के अधीन, पीसीएस एग्जाम पीएससी, तो ये कैसे याद होगा, इनके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएट होती है, और ग्रेजुएट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आप गांव में देखिए ना, बोला जाता ना कि वो 14 पास हो गया, वो 16 पास हो गया, यानी बीएमए कर लिया, तो 14 मतलब ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब हुआ वो इन एग्जाम को दे सकता है। भाग 4 का अधिकरण 323 का से 323 खा, इसे आप देखिएगा। भाग 15 324 से 329 का, तो भाग 15 निर्वाचन, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि 5-5 साल में चुनाव होता है, तो 5वें साल 5 भाग में संघ आया यानी अपना देश आया, 10वें साल यानी भाग 10 में सबसे पिछड़े एससी एसटीओं के लिए विश्व के लिए क्षेत्र घोषित किया गया, उस पर बताया गया, और जैसे ही 15 आया, देखिए 15 निर्वाचन, 15 निर्वाचन, तो भाग 15 में किसकी बात है, निर्वाचन की बात है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, देखिए ना 16 यानी स्पेशल,
16 स्पेशल, तो ये स्पेशल आप ऐसे रखना 16 स्पेशल, 330 से 342, ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। जैसे 330 में आप देखिए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के लिए आवंटन है, 331 में आंग्ल समुदाय के लिए सीट का वो है, उसके बाद 332 में राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की बात हो रही है, फिर उसके बाद राज्य विधानसभा में आपका आंग्ल समुदाय के, तो ये जो विशेष है ना 330 से 342 स्पेशल, ठीक ऐसे याद करिएगा। भाग 17 राजभाषा है ना, अपनी राजभाषा है, 17 के बाद 18 हुई, वर्तमान में 22 है ना, तो इसको आप रटे ही रहिए राजभाषा भाग 17 में। अब भाग आइए देखिए 18 आपात उपबंध, 18 ऐसे आप करेंगे है ना, 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण है, ये बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं। भाग 20 संविधान संशोधन, एक आर्टिकल है 368 संविधान संशोधन की बात करता है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन। और भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, 393 से 395। इस तरह से आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो सभी आपको अब क्लियर हो जाएंगे। समरी के रूप में आप देखिए, संघ नागरिकता मूल अधिकार राजनीति निदेशक तत्व मूल कर्तव्य संघ राज्य, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र टेरी 8, फिर पंचायतें, उसके बाद अनुसूचित तथा जनजाति संघ तथा राज्य संबंध, वित्त ट्रेड वित्त प 12, 13 ट्रेड, 14 ग्रेजुएट, 15 निर्वाचन, 16 स्पेशल, 17 राजभाषा, 18 आपात, भाग 19 कोई बात नहीं, भाग 20 संविधान संशोधन, और 21। इस तरीके से जब आप एक बार इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से ये संविधान के सभी भाग आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, यूपीटेट, जो भी हो, यहाँ का प्रश्न जरूर आता है, कम से कम एक प्रश्न तो जरूर आता है, कभी कभी दो प्रश्न भी पूछ लेता है। तो मैं समझता हूँ ये अब आपको इसको आप तैयार कर लीजिएगा, और बहुत ही जल्दी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।